बैट में होती है ग्रिप, और आज हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ इवेंट इंटर्नशिप। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बातचीत करी है। ओके, सो फाइनली ये बहुत सारे व्लॉग मैं कर चुका हूँ लेकिन एडिट नहीं हो पाए, बट कोई ना, ये वाला व्लॉग जब आप देख रहे हो तो मैं आपको बताया था हम तालकटोरा स्टेडियम जा रहे हैं, वहाँ पे इवेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे जा रहे हैं और वहाँ पे वो करने वाले इंटर्नशिप। और अगर आप जानना चाहते हो कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है उसके अंदर, तो मिलते हैं पूरे व्लॉग के साथ। हर जगह से हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहे थे इसलिए हमने गाड़ी ने उठाया और हमें लेके आ गई तालकटोरा स्टेडियम पे। तो अब हम दिखाते हैं आपको स्टेडियम के नज़ारे। और यहाँ लोगों ने एंट्री करना शुरू कर दिया और हमारा इवेंट आगे बढ़ने लग गया। एंट्री करने के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ इवेंट की एंट्री है कैसे। इवेंट की एंट्री में सबसे पहले वेलकम बोर्ड है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे हमने एंटर करा वहाँ पे हमें सबसे पहले रेड कार्पेट वेलकम मिला और राइट हैंड साइड पे हमारा फोटो बूथ है। फोटो बूथ के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग फोटोज खिंचवा सकते हैं। और जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे आए और राइट हैंड साइड पे अगेन मेरे को सेंटर में विजुअल ब्लॉकर दिखाया हुआ है और फिर से अगेन एक और फोटो बूथ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर के थोड़े से नज़ारे। अंदर बहुत ही बड़ा हॉल है और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और वो सारी कैपेसिटी है। और अगर मैं देखा जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट में राउंड टेबल है और सामने स्टेज है, ट्रस्ट बेस लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। और जब ये इवेंट चल रहा है तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, एक बार ये झलक देख लो। और ये सब पॉसिबल करने के लिए हमें चाहिए होते हैं इवेंट प्लानर। और आज हम ये जानेंगे कि एज अ इवेंट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनके आपको क्या एक्सपीरियंस और क्या एक्सपोजर मिलने वाला है, आप अपना फ्यूचर कैसे एज अ इवेंट प्लानर देख सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्टेज जो प्रोडक्शन स्टेज पे है जो इवेंट प्लानर के थ्रू बनेगा। और एक इवेंट प्लानर एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी मेजर करता है, कहीं पे भी कुछ मिल जाए तो उसको सही करता है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी होती है कि एक एक चीज़ सही से हो। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अब टीम की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए मैं खुद पूरी टीम को अच्छे से ब्रीफ कर रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना। और उसके साथ साथ हर वेंडर अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर रहा था। अब जो टेंट वाले हैं वो टेंट लगा रहे थे, जो स्टेज वाले हैं वो स्टेज बना रहे थे, जो कैमरा वाले हैं वो कैमरा मैनेज कर रहे थे, ईच एंड एवरी वन बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोई भी इवेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके अंदर सारे के सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे यहाँ पे रिहर्सल हो रहा है क्योंकि आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस है जिनको अलग अलग चीज़ें करनी है, या टीम को एक्स्ट्रा ब्रीफिंग मिल रही है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इवेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो। टीम खुद से जो चीज़ें उनको लग रहा है कि गलत है वो खुद से जा के सही कर रही है, इसी को बोलते हैं रियल टीम वर्क। और ये टीम वर्क सब में नहीं होता, ये टीम वर्क उनमें होता है जो जेन्युइनली इवेंट में अपना एफर्ट डालने के लिए रेडी होते हैं। अगर आप भी अपना एफर्ट डालने के लिए रेडी हो तो आप भी इवेंट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो और आपको मैं बता देता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ जेन्युइनली चेंज हो जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। जैसे ये सब कर रहे हैं वैसे आप भी इंजॉय करोगे, लर्न करोगे और अपनी लाइफ के सपने को पूरा करोगे एज अ इवेंट प्लानर। ये सारी मस्ती तो चलती रहेगी, एक बार देख लेते हैं कि टीम ने क्या क्या सीखा और उनसे भी करते हैं बात। सो रोशन, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है? बहुत कुछ है, ट्रक के बारे में मिला है, ट्रैगलर के बारे में मिला है, क्वाल मिला है और फ्लोन के भी मिला है, बहुत सारा कुछ मिला है। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस सेट। पीयूष, बाय।